गुड मॉर्निंग। तो चलिए, नॉर्टन थ्योरम हमने बता दिया था, इसको देखते हैं कैसे किसी सर्किट में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक सर्किट बना हुआ है, इसमें निकालना है आपको फाइंड द करेंट थ्रू ब्रांच ए बी बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। ठीक, तो ये आपका पूरा सर्किट है और इसी ब्रांच में यानी इस 5 ओम के रजिस्टर में कितना करेंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमने बताया था कि जिस ब्रांच में आपको करंट फाइंड करना है उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। देखिए, ये ए बी में करना है और इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ठीक है, बाकी जो सर्किट है वो रिमेनिंग सेम रहेगा। ठीक, अब इसी सर्किट में हम नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक या केवीएल केसीएल लगाकर इस सर्किट से करंट हम फाइंड करते हैं। जो आप सर्किट को शॉर्ट सर्किट करेंगे जिस ब्रांच को, ठीक है, उसमें करंट को बोलते हैं नॉर्टन करंट सोर्स। ठीक, IN, ये नॉर्टन करंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। तो अगर इधर IN है और ये आपका I1 है तो इधर करंट क्या हो जाएगा, I1 माइनस IN होगा। देखिए, संधि से दूर जा रही है तो इसका चिन्ह ऋणात्मक है, ये संधि की ओर है तो इसका धनात्मक होगा। ठीक है, अब इसी दो लूप में आप KVL KCL लगा सकते हैं। ठीक है, इस लूप में आप KVL KCL लगा के अब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब अप्लाई KVL एट बोथ लूप। ठीक है, बोथ लूप, तो लूप फर्स्ट के लिए KVL इक्वेशन देखिए इधर से चलेंगे 2। ठीक है, आगे बढ़िए, ये प्लस माइनस, तो पोलरिटी इसकी क्या हो जाएगी, माइनस, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है यार, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, राइज नहीं होगा क्योंकि प्लस से माइनस तरफ है। देखा जाएगा 0.1 × I1। आगे बढ़िए, ये आपका प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये I1। ठीक, अब ये ऐसे करंट IN आ गया। ठीक है, तो प्लस ठीक है, तो अब देखिए अरे तो अब ये करें ऐसे आ गया। ठीक, अब ये फिर 2 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया। ठीक, अब देखिए, जब इस इक्वेशन को ये बराबर 0 के होगा, ठीक है, तो अब इसमें करंट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसीलिए इस इक्वेशन में हमको उसको नहीं लिखा है। ठीक, तो इसको जब हल करेंगे तो IN की वैल्यू 0.198 एम्पियर आएगी। ठीक, ये I1 की केवल वैल्यू आई। ठीक, अब इसी प्रकार लूप सेकेंड में चलिए। ठीक है, अब लूप सेकेंड में करेंगे। ठीक, तो यहाँ लगा देते हैं। ठीक, ठीक है, अब अप्लाई KVL एट लूप सेकेंड में। ठीक, तो लूप सेकेंड देखिए ये है। ठीक है, तो इधर से चलेंगे तो I1 माइनस IN। ठीक, और यहाँ पे पोलरिटीज की प्लस माइनस हो जाएगी, ऐसे करंट चल रहा है तो ये यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, -20 I1 माइनस IN। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर ऐसे चलेंगे, ये आपका प्लस माइनस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, ड्रॉप होगा, ऐसे ड्रॉप होगा, इसकी भी क्या हो जाएगी, पोलरिटी माइनस हो जाएगी, -2 I1 माइनस IN। ठीक है, अब देखिए, अब करंट ऐसे आ रहा है, ये I1 माइनस IN करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लस से माइनस की तरफ आया तो यहाँ भी क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो -4 = 0। ठीक है, जब इसको आप हल करेंगे तो IN की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.396 एम्पियर। ठीक है, ये IN की वैल्यू होगी, I1 की IN की वैल्यू निकाल। अब स्टेप टू में हमने बताया था कि जितने भी आपके सोर्स हैं या करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स रहेगा, तो उसे आप क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिस ब्रांच को आपने शॉर्ट किया है उसके प्रतिरोध को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट में हमने बताया था कि जितने भी आपके सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स रहेगा, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट और करेंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों करेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, देखिए, ये आपका सर्किट बना, ये आपका 10 ओम का है, ये 20 ओम, ये ए बी पॉइंट था। ठीक है, ये 0.2 ओम का, ठीक, और ये 0.1 ओम। ठीक, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये और ये दोनों क्या हैं, सीरीज में हैं,
ये दोनों भी क्या हैं, सीरीज में, ठीक है। तो जब इनको हल करेंगे आप, ठीक है, तो इसको फिर नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक से इसका सर्किट कुछ इस प्रकार बनेगा। अभी दोनों सीरीज में है, ठीक है, तो ये सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10.1 बाई R1 प्लस R2, और इसका क्या आ जाएगा, 20.02, ठीक है, 20.02, ये आपका 20। तो अब ये दोनों क्या आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक, ये देखिए, ये आपका इस प्रकार, ये आपका 20.2 और ये हो जाएगा 10.1, ठीक। अब देखिए पैरेलल, ये दोनों सीरीज में, तो दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया, ये दोनों सीरीज में दोनों जोड़ दिया तो यहाँ पे, दोनों क्या है, पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो अब इनका हम पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। पैरेलल में होता है तो क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 20.2 गुणे 10.1 अपान 20.2 धन 10.1। जब आप इसको हल करेंगे, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 0.733, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है, और हमने बताया था। अब स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, स्टेप 4 में अब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट खींचना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ ये आई एन की वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्टन करेंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। इसका सर्किट देखिए कैसे बनेगा, हमने बताया था कि आई एन, ठीक है, ये आपका आया है, आई एन की वैल्यू आपकी आपको पता है, और जो इस सर्किट के साथ जो परिपथ का आर इक्विवेलेंट यानी नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये इसके पैरेलल में हो जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट, यही आर एन के बराबर होता था उसमें, ठीक है, इसकी वैल्यू 10.733 आया, ठीक है। और यहाँ पे जिस ब्रांच में आपको करंट फाइंड आउट करना है वो भी क्या होगा, इसके पैरेलल में लग जाएगा। ये देखिएगा नॉर्टन थ्योरम में मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप। तो हमने 5 ओम में ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये RL की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम, ठीक है, ये आपकी AB है, ठीक। अब देखिए IN की वैल्यू आपकी 396 एम्पियर आया 10। अब हमें क्या करना है, इसी में आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, IL, ठीक, यानी लोड करंट की वैल्यू, यानी कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वही ज्ञात करना है। तो IL का फार्मूला हमने नॉर्टन थ्योरम बताया था, वो क्या था, लोड करंट IN, IL बराबर IN गुड़े R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लग गया है, ठीक है, इसमें आपको करंट फ्लो करना है, ठीक है, इसमें आपको करंट फ्लो करना है, करंट ज्ञात करना है, तो इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा, आर इक्विवेलेंट अपान आर इक्विवेलेंट प्लस RL, ठीक, हमने उसमें बताया था करंट डिवाइडर रूल में, यानी कि जिस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा अपान दोनों का योग, ठीक। तो IN की वैल्यू आपको 0.396 ज्ञात है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 10.733 अपान 335, ठीक है। इसको जब साल्व करेंगे तो आएगा 0.2272, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन देखिए कैसे है, ए से बी की तरफ है, ठीक है, ए से बी की तरफ, ठीक। तो ये IL की आपकी वैल्यू आ गई और यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्टन से संबंधित एक न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। हालांकि आप लोग न्यूमेरिकल हल करते नहीं हैं तो भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम थेवेनिन सर्किट चालू करेंगे, ठीक है। थेवेनिन हमने बता दिया था उसका, हम नहीं थेवेनिन नहीं बताया, PDF भेजा था, ठीक है, उसका वीडियो हम बना के भेज रहे हैं। ये नॉर्टन का सर्किट है, ठीक, ये आप कैसे सर्किट में अप्लाई करना है ये देख लीजिएगा, ठीक। थैंक यू।